अस्सलामुअलैकुम जी हैं सब, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ सब हैंगे से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू द ओवर न्यू व्लॉग। तो आज आपको काफ़ी स्पेशल वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इस्लाम के रिलेटेड है, थोड़ी सी मिक्सअप है थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा रिव्यू देख के तो समझ आ गई होगी, लेकिन चलते हैं पहले उससे पहले मतलब वीडियो आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मैं चकवा लूँ जो हमारे कल्चर का हिस्सा। चेक कर सकते हैं काफ़ी अच्छे बर्तन वगैरह हैं। बाकी चलते हैं, अब अपने जो मेन मकसद है वीडियो का उसकी तरफ चलते हैं। तो बाकी हमारे साथ ही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके लाजम करिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लग रही है। देख सकते हैं थोड़ा सा व्यू, चलें जी अपना सफ़र का स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कितना तवील सफ़र होता है हमारा, चेक कर सकते हैं आप कि बात को स्टार्ट हुआ है लगे हुए। एक चीज़ें यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगी, देखें लेडीज़ के पास वगैरह लगे हुए काफ़ी सारे। इसका नाम है कदीम रवायात का तसलसल, हॉल ऑफ एंटीक्विटी। चलें आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी तारीख के मतलब चीज़ें हैं। काफ़ी पुराने ज़माने के जो बर्तन वगैरह जो आपको यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी नज़र आ जाएगा। देखें पुराने ज़माने के और वो आपको नज़र आ रहा होगा, कदीम रवायात का। सर सर पुराने ज़माने में इंसान गाय बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं ये चीज़ चेक करें आप, यहाँ से कुछ व्यू आपको नजर आएगा, आप किसी देख सकते हैं। आप चक्की बड़ा पड़ी हुई है मुख्य किस्म की, बाबा जी बैठे हुए हैं और वो बुद्ध कोई ये है मोन्जो दोरो, ये ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको साथ साथ। इन मंजू दौरों का एक आपको स्केच मिल जाएगा कि गुफाओं की कैसी थी जिंदगी। मंजू दौरों को तो आपको मिल जाएगा बैल वगैरह जो थे, चेक कर सकते हैं। एक बैल घाट का सारा मिलेगा, ये तारीखी सरजमीन काफ़ी सारे जो हैं पड़ी हुई है,
से थोड़ा सा आपको ज़रूर साजी करिए कि सर से अभी आप चेक करते हैं। वहाँ से शुरू करते हैं कि मतलब किस्म के जो पुराने ज़माने के बर्तन वगैरह थे काफ़ी कुछ अपने नंबर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में इसकी जो नहीं है सिविलाइजेशन के मतलब पूजा वो क्या बर्तन वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कंधारा का इंद्रस्वीर वैली का और ये इस्लामिक चलते हैं थोड़ा सा आगे आ रहे हैं हम। ये भी आई थिंक मना कदीम का कोई कल्चर है गंधारा। काफ़ी खूबसूरत व्यू है कैमरा पर आप चेक कर सकते हैं। चलो ये तो हाल ख़त्म हुआ, अब आगे चलते हैं चीन से काफ़ी रब्ता हमारा जो कोई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको चिकवाते हैं। चीन शहर रेशम चाइना की सकाफत है के चीन चाइना के कुछ फुट मारते हैं। जेंट्स कंस्ट्यूम वगैरह और यहाँ पे लेडीज वगैरह के हैं चाइना से काफी रहता। इस चाइना से आगे वाली साइड आते हैं आप देखते हैं इसको बलोचिस्तान का कल्चर है। ये हमारे बलोचिस्तान का थोड़ा सा कल्चर है
कंट्री बहुत मस्त है कल्चर ऐसे ऐसे यहाँ वीडियो चेक कर सकते हैं आप। हार्ट आप चेक करें चलो जी यहाँ पे हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो आगे अब नेक्स्ट आप अगले ब्लॉग में चेक कर दें तो टाइम काफ़ी हो रहा है, तो भी यहाँ पर कमेंट आप करते हैं। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके लाजमी चाहिएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो। लाश की थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स देते चले लाश के दिन का खाना दोषों का आई थिंक रिवाज है। दूध बनाने की वर्कशॉप ये देखिए माशाल्लाह से रक्स करते हुए नौजवान